ये सारे विषयों का संचालन हमारी संसद के अंतर्गत होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हमारे पूरे पार्लियामेंट के प्रोसीजर की एक खूबसूरती ये रहती है कि एक इंडिविजुअल सांसद अपने क्षेत्र का विषय भी उठा सकता है, तो देश की सरकार देश के बजट के विषय को भी रखती है और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होती है। लेकिन पूरी पार्लियामेंट प्रक्रिया जो हमारी चलती है उसमें जितना पार्लियामेंट के काम सेशन के दौरान होता है उससे ज़्यादा पार्लियामेंट की जो कमेटीज होती हैं उस कमेटी में लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। देश में कोई भी जब कानून बनता है और कोई भी जब विषय आता है तो उस कानून और विषय में पार्लियामेंट की कमेटी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और सरकार के द्वारा भी कोई बात रखी जाती है तो उस बात को एश्योरेंस के रूप में लिया जाता है। किसी भी विषय के लिए एक अकाउंटेबल सिस्टम हमने खड़ा किया है। इस सिस्टम को पूरे 70 साल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। लेकिन आप एक बात मान करके चलना कि कोई भी सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उस सिस्टम के अंतर्गत केवल मशीन जैसा विषय नहीं होता है, उसमें भावनाएं भी होती हैं, वो भावनाओं का अभिव्यक्ति का तरीका भी होता है। जहाँ तक मशीन की बात है, आज तो हम सब लोग एक ऐसे समय में आ रहे हैं जब सब लोग मशीन की तरह या टाइम टेबल की तरह काम करते हैं, लेकिन 125 करोड़ लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन देने का काम होता है उस रिप्रेजेंटेशन देने के काम में केवल मशीन की तरह काम करना भी भावनाओं की तरह काम करना होता है। और मोमिन ईरानी जी ने अपने जो वक्तव्य में पैशन की और जो डिजायर की बात कही बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संबंध में भी है कि आज स्टूडेंट लाइफ के बाद आप में से भी मेरे को लगता है हो सकता है कि लोगों के बीच में काम करते हुए आप में से भी किसी को पार्लियामेंट के रूप में प्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। लेकिन उन्होंने जो कहा ये क्लॉक रिंग होने के बाद भी पैशन के साथ वो बैठे रहे, अवसर कभी भी आपकी जिंदगी में झोली में आ सकता है, इंतजार इस बात का करना होता है आप खाली ना बैठे, उस अवसर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब आप अवसर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो अवसर एक दिन आपको लोगों के बीच में, लोगों के प्रतिनिधि के बीच में और आपकी बात को, हजारों लाखों लोगों की बात को रिप्रेजेंट करने का अधिकार देगा। हमारी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती भी ये है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में संसद के अंदर जाते हैं तो केवल आप अपने लिए विषय रखते नहीं जाते, आप देश की बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए वो विषय रखने जाते हैं। मैं थोड़ा कार्यक्रम में लेट हुआ हूँ, आज मेरे मन में आप लोगों से बात करने की काफ़ी इच्छा थी, इसलिए जो मैंने विषय तैयार किया मैं उस विषय को बिल्कुल ना रखते हुए कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। आज मैं लेट हुआ हूँ लेकिन अभी आगे मेरी 12:30 बजे एक और मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कम से कम वहाँ पर लेट ना हूँ। इतने देश के बैठे हुए नौजवानों को बात करने का जो एक बड़ा अवसर था उस अवसर को फिर कभी इस इंस्टीट्यूट में आकर आपसे करने का अवसर मिलेगा। आज की बात को मैं अपने थोड़े शब्दों में विराम देता हुआ पुनः कभी आप लोगों से मिलकर के एक लंबी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।